हेलो फ्रेंड्स, ईशान हार्ट हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां हमारा फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे होता है। मेरा नाम है सिद्धार्थ उपाध्याय और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस हमारे हार्ट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है, ये आपको स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करता है। आप एक बात ध्यान रखिए, जैसा हमारा एवोल्यूशन हुआ, जब हम जंगलों में इवॉल्व हो रहे थे एज ह्यूमन बीइंग्स, तो ड्यूरिंग दैट एवोल्यूशन प्रोसेस हमारे पास बहुत सारे खतरे हमारे सामने आते थे जो हमें स्ट्रेस देते थे। उन खतरों से हमें डील करने के लिए इंस्टेंटली या तो उन खतरों से हमें लड़ना होता था या उन खतरों से हमें भाग जाना होता था। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे को इमीडिएट एनर्जी चाहिए होती थी बॉडी में। तो वो एनर्जी हमारे को मिलने के लिए हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो जब बढ़ता था तो वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा देता था, जो हमें इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता था। तो जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता कहाँ से है, क्योंकि आपने तो कुछ खाया भी नहीं। ये ग्लूकोज आता है आपके स्टोर्ड शुगर से, जो कि लिवर और मसल्स में होता है। लिवर और मसल्स से ये स्टोर्ड शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ही आप एक स्ट्रेस एनकाउंटर करते हैं। तो ये प्रोसेस है स्ट्रेस के सामने। तो जब स्ट्रेस बढ़ा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि आपका इंसुलिन जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है और आप धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जैसे कि हम एक वीडियो में पहले जो कर चुके हैं, जिसमें हम रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस के बारे में बात करते हैं, उसमें हमने पाया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो आपकी हार्ट हेल्थ भी खराब हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपका ग्लूकोज और इंसुलिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए बढ़ा है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हार्ट में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब बढ़ जाता है। इनके कारण जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इसके कारण आर्टरी में आपकी जो हार्ट आर्टरीज हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो आर्टरी अंदर से खराब हो जाती हैं और उसके वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। ऑल्सो अगर आपका ग्लूकोज और इंसुलिन बढ़ा रहेगा तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है एक लॉन्ग टर्म में। तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका बैलेंस खराब हो जाता है। इस बैलेंस खराब होने से कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब अगर आप हमेशा किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल साबित होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। क्योंकि जैसे ही आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड रहेंगे तो हमेशा आपका कॉर्टिसोल ऊपर रहता रहेगा, जो आपका ग्लूकोज बढ़ाएगा और जो आपका इंसुलिन बढ़ाएगा। ऑल्सो जो ये ग्लूकोज है, ये मसल्स से निकल के आता है जब आप स्ट्रेस में हैं, तो आपकी मसल्स को भी वीक कर देता है। तो आपका मसल लॉस भी बहुत होता है अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं। क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं तो आपका हार्ट भी खराब होगा, मसल्स भी आपके बहुत वीक हो जाएंगे और फ्रेजाइल हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें अपने क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर्स जो भी हैं आपकी लाइफ में, अगर उनको कोशिश करें खत्म करने की। वो स्ट्रेस को कम करिए या फैक्टर्स को खत्म करिए डायरेक्ट। स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थोड़े बहुत आप कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है आपकी लाइफ में, तो वो उस फैक्टर को डील करके वहाँ के वहाँ ख़त्म कर लीजिए। नहीं तो वो फैक्टर को डील नहीं करेंगे अगर क्रॉनिक स्ट्रेस के, तो वो बढ़ा ही रह जाएगा और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है लॉन्ग रन में। अक्यूट स्ट्रेस, जो एकदम से स्ट्रेस आता है, उसको तो हम डील करते ही हैं। अगर एकदम से आपकी कोई तबीयत खराब हो जाए, एकदम से आपके सामने कोई चोर आ जाए, तो इमीडिएटली आप उससे डील करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में हम इतना नहीं सोचते। अगले वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कुछ कॉमन क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर्स की, और वो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, बहुत सारे नोन फैक्टर्स हैं आपके लिए और बहुत सारे हिडन स्ट्रेस फैक्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।